मिस्टर जो तातू जी को अभी नॉन ट्राइबल बोल के जो इशू लेके आया उसमें हम लोग आश्चर्य हो गया। आश्चर्यजनक की बात है जो है नाबम तागम। फिलहाल मैं अरुणाचल जस्टिस फोरम के अध्यक्ष हूँ जिसने सरकार के खिलाफ में हरदम हम कोर्ट में जाके कदम तल मारते रहता हूँ, वो भी अपना बेनिफिट के लिए नहीं, जनता का हित के लिए। आज मुझे बहुत लोग गलत प्रेमी हो सकता है, लेकिन जिस दिन हम इस संसार से चला जाएगा कोई ना कोई हमें याद जरूर रहेगा कि उसने क्या किया है। अगर हम सोशल एक्टिविस्ट बन के किसी से अगर सरकार से पैसा लूटा या किसी बिजनेसमैन से लूटा या ऑफिसर से लूटा, वो भी एक दिन जरूर बताएगा। अगर ऐसा माहौल होने से हम तो अभी तो 5 स्टार होटल बना के बैठना था। आज मेरा पास कुछ घर भी नहीं, बारी भी नहीं, लेकिन मैं जी रहा हूँ। जितना दिन ये जो भगवान हमको जीने के लिए साहस देगा इतना तक जी लेंगे, कुछ नहीं है। और उसका जो लिखित है ऊपर वाला के हाथ में है, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट बन के बहुत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला, कोर्ट में जाते रहता हूँ। वो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है या किसी का, मैं इंडिविजुअल खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम का अगेंस्ट में फाइट किया। जो भी फाइट किया उस सिस्टम का अगेंस्ट में, जब फाइट करते समय अगर कोई मेरा भाई भैया चाचा चाची नाना नानी या मेरा कोई ऑफिसर उसमें अगर चक्रव्यूह में आ गया तो वो तो मेरा बस का बात नहीं है, वो सिस्टम का अंदर में सब कुछ हुआ है। आज जो है एक अरुणाचल में एक मुद्दा गर्मा गर्मी हो रहा है, वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब ऑफ स्प्रिंग इशू, उस सिलसिले में लेके अभी जो है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी एक गठन किया, रजिस्टर बॉडी है और उन लोगों ने भी कुछ आवाज़ उठा रहा है, एफआईआर दे रहा है और ऑफस्प्रिंग का इशू लेके। कोई लोग नौकरी में है, कोई लोग बिजनेसमैन है, कोई लोग आम जनता में है, कोई लोग फार्मर से ऐसे। और साथ ही साथ उसका बाद इन द फॉलो अप एक्शन में अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सरेंडर अभियान एक कमिटी गठन किया, लेड बाय श्री ताओ पोल एंड थाना तामर, और एक तो है जो लेड बाय श्री ताई ताका एंड अदर्स। और उस उसमें हम APST में सोसाइटी में हम भी, मेरे को भी मेंबर दिया था। मेरा सुझाव ये था कि आप लोग जो भी पाइप करता है हम ट्रैक का बाहर में नहीं होगा, कानून का दायरे में रह के काम करना होगा। मैं तो ऑलरेडी सजेशन दे चुका है और उसी हिसाब से हमारा लड़का लोग काम कर रहा है। किसी को एफआईआर करता है तो आप सरकार को एक्शन लेने के लिए बोलिए, वो सब चल रहा है। इसके चलते ये सोशल मीडिया में हमको देखने को मिल रहा है, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर हाथातो। उनका खिलाफ में कुछ सोसाइटी लोग आवाज उठा रहा है। मैं तो सोचा है कि ये जितना भी हमारा जो भी सोसाइटी है संगठन है और उन लोग सही से काम करेगा बोल के मैं तो सोच रहा है अभी भी। ये अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट ये है बात, जो मिस्टर जो तातू जी को अभी नॉन ट्राइबल बोल के जो इशू लेके आया उसमें हम लोग आश्चर्य हो गया। आश्चर्यजनक की बात है। सो पर मेरा जो अपना के कंसर्न में बोलेगा तातू साहब को, मैं तो लास्ट 30 to 35 years से हम जान रहा है। हाँ, उसका साथ हम कम्युनिकेशन नहीं किया या उसका साथ एक साथ घुमा फिरा नहीं है, लेकिन एज ए कॉन्शियस सिटीजन हमको पता है वो क्या काम किया था।
हमारे हिसाब से वो स्टूडेंट लीडर भी था, हमारे पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन बन के एजुकेशन सेक्रेटरी बन के हमारे एरिया में, जैसे मिंग्यो है, सिलसंगो है, सगाली है, तोरू है, लेपुरिंग सर्कल और अलग अलग जगह में भी अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री डोमिनिक तादर जिस समय में वो प्रेसिडेंट बना था उस समय में ऐसा किया था बोल के एजुकेशनल टूर, मतलब जो अवेयरनेस एजुकेशन को अवेयरनेस देने के लिए गया था उस समय से हम जानता है। बट दैट मे बी 95-96 ऐसा, तो अभी तक हम जान के बेहतर है। उस बीच में भी हम ये देखने को मिला है, ये व्यक्ति का ऊपर में हम तो ये देखने को मिल रहा है, ये एक सिर्फ उस समय में स्टूडेंट लीडर बन के सिर्फ नहीं बैठा है, हमारे समाज में भी वो कार्यक्रम किया है, बहुत कार्यक्रम किया है, गरीब लोग को भी उतारने के लिए काम किया है और बहुत लोग को भी हम देखा है तो मदद किया है। जैसे मान लो कि आर्ट एंड कल्चर में देखिए, उसका हमारा ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर का प्रमोशन के लिए भी कहीं कहीं जगह में हम देखा है वो बहुत काम किया है। और देखो एक तो है हमारा इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी में भी वो एक नंबर का, वो जो हमारा इंडिजिनियस को काम करके घूम रहा है। तो हम तो ये लगा है कि ये तो हमारा ही है, उसका रहन सहन, उसका खाने पीने का, उसका लिविंग स्टाइल, उसका बोल चल, उसका जो ये जो छोटा से जैसा हमारा ट्रेडिशन को पालन करके आया, वो किसे बन के नॉन APST हो सकता है, ये हमारा आश्चर्य का बात हो रहा है ना, बात जो है। इसीलिए मैं वो सिर्फ नहीं है, हमारा ट्रेडिशनल कस्टमरी में देखिए, निसी में हम लोग जो ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम को भी हो अच्छा से पालन किया, और ये जो इंग्लिश में बोलेगा रॉयल मैरिज, हम लोग निसी में बोलेगा तो ये क्या बोलता है गेले, ऐसा ऐसा सिस्टम मैरिज ट्रेडिशनल वे में भी हम देखा गया है कि वो बहुत आगे में है, सबसे आगे में है इस समय में। कल भी तो हम उसका ये जो एक तो राइचल प्रोग्राम में गया था, जहाँ में हमारा गृहमंत्री मामा नतुंग जी साहब उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसका साथ में उसका लेडी सीनियर सिटीजन ये अरुणी लोग था और बहुत सा आदमी लोग उसमें डिफरेंट पार्ट से आके उधर में पार्टिसिपेट किया। मे बी एज ए विल विशर हिसाब से हम भी उसमें पार्टिसिपेट करके देखा है, तो पूरा का पूरा मैंने जो ट्रेडिशनल ओरिजिनल ट्रेडिशनल काम को उन्होंने ही प्रिजर्व कर रहा है, उन्होंने कर रहा है, उसका रहन सहन, उसका खाने पीने का, उसका लिविंग स्टाइल, उसका बोल चल, उसका जो ये जो छोटा से जैसा हमारा ट्रेडिशन को पालन करके आया, वो किसे बन के नॉन APST हो सकता है, ये हमारा आश्चर्य का बात हो रहा है ना, बात जो है। इसीलिए मैं वो सिर्फ नहीं है, हमारा ट्रेडिशनल कस्टमरी में देखिए, निसी में हम लोग जो ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम को भी हो अच्छा से पालन किया, और ये जो इंग्लिश में बोलेगा रॉयल मैरिज, हम लोग निसी में बोलेगा तो ये क्या बोलता है गेले, ऐसा ऐसा सिस्टम मैरिज ट्रेडिशनल वे में भी हम देखा गया है कि वो बहुत आगे में है, सबसे आगे में है इस समय में। कल भी तो हम उसका ये जो एक तो राइचल प्रोग्राम में गया था, जहाँ में हमारा गृहमंत्री मामा नतुंग जी साहब उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसका साथ में उसका लेडी सीनियर सिटीजन ये अरुणी लोग था और बहुत सा आदमी लोग उसमें डिफरेंट पार्ट से आके उधर में पार्टिसिपेट किया। मे बी एज ए विल विशर हिसाब से हम उसमें पार्टिसिपेट करके देखा है, तो पूरा का पूरा मैंने जो ट्रेडिशनल ओरिजिनल ट्रेडिशनल काम को
उन्होंने ही प्रिजर्व कर रहा है, उन्होंने कर रहा है, ये हमको देखने को मिला है ना बात जो। तो एक हमारा बीच में अगर चार पांच आदमी का बीच में अगर मुझे बोल देगा कि ये जो नाभम सागम जो जिंगपिंग का चोटा भाई है बोल देने से वो क्या सही होगा क्या, आप बोलिए। हमको जिंगपिंग का चोटा भाई बोलने से हम जिंगपिंग का चोटा भाई नहीं बन सकता है, हमको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ नाभम सागम जिंगपिंग का चोटा भाई है, प्रूफ देना पड़ेगा। वो कौन प्रूफ देगा, आप नहीं दे सकता बिकॉज यू आर नॉट अथॉरिटी। मेरा जन्म का जो प्रमाण कौन देगा, जन्म का प्रमाण अपना बाप देगा और माँ देगा, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। उसका अगर माँ नहीं है या बाप देगा, अगर दोनों माँ और बाप नहीं होने से उसका एल्डेस्ट सिस्टर और एल्डर ब्रदर दे सकता है, उसका जन्म उसका प्लेस ऑफ बर्थ उसका ये दे सकता है, उसका अलावा किसी का अधिकार नहीं है बनता है। तो हाँ आपका आपको मैं डिनाई नहीं कर रहा है, आपका कहने का या आपका एलिगेशन जो है गलत है बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ आप ये कर सकता है, आप अच्छे से सर्वे कीजिए, सरकार को बोलिए हमारा अरुणाचल में 10,000 आदमी नॉन एसपीएसटी से एसटी बन के बैठा है। आप मेमोरेंडम दीजिए ना सरकार को, मेमोरेंडम दीजिए, उस मेमोरेंडम को सरकार अगर नहीं भी सुनता है, अगर रूल नहीं बनता है, आपका जमीन को छीन रहा है, आपका ट्रेडिशनल राइट को छीन रहा है, आपको दखल अंदाज कर रहा है, आप लीगल बेतल कीजिए, लीगल बेतल करके आपका राइट को निकाल लीजिए, उसका एसटी सर्टिफिकेट को कैंसिल करने के लिए। कैंसिल कौन करेगा, आप कैंसिल नहीं कर सकता, किसी का एसटी का आप छीनने का कोई अधिकार नहीं है। आप पुलिस नहीं बन सकता है, आप जज नहीं बन सकता है, आप किसी को मारपीट नहीं कर सकता है, आपका अधिकार नहीं है। हाँ आप लीगल बेतल करो, पिटिशनर बन के आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके सारा का सारा जिसका पास एसटी सर्टिफिकेट पैक बनाया उसको कैंसिल करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लाइए। कोर्ट में किसे ऑर्डर लाएगा, कोर्ट भी ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता, आप विटनेस देना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, तभी तो कैंसिल होगा। और आप कानून बनाने के लिए सरकार को दावा डालना चाहिए, ये आपका सोसाइटी का काम होना चाहिए। उस दिन भी हम ये बोला था, उस समय में एक हिंदू का नियम था, जब उसका ये जो हस्बैंड जब उसका पति जब मर जाता है, पत्नी को भी जिंदा से आग में जलाने का ऐसा कुछ सिस्टम था, सती प्रथा सिस्टम बोल के। उस इविल प्रैक्टिस को राजा राम मोहन रॉय ने 19th सेंचुरी में आके वो सिस्टम को एबोलिश किया, आज वो सिस्टम नहीं है। इसी प्रकार आप सिस्टम को अगर लाना है तो आप सिस्टम ही जाना पड़ेगा, आप जंपिंग करके सिस्टम को नहीं बना सकते हैं, और उस सिस्टम जैसे आप जंपिंग मारेगा आप ऐसे ही गिर जाएगा, लेकिन आप ट्रैक में जाइए, सिस्टम में जाइए, जैसा ये नदी ऊपर जंप करके पहाड़ ऊपर जंप करके नदी जा सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। नदी को कितना भी करो सिस्टम से ही जाएगा, लीगल एंड द रिवर कोर्स इज इक्वल, नियम अपना हिसाब से जाएगा, नदी भी अपना हिसाब से जाएगा, उसको आप कुछ भी चर्चा नहीं कर सकते। ये मेरा सुझाव है कि आप लोग कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाने के लिए भी आपका पूरा सबूत को पहले गुटाना पड़ेगा, तब जाके आप कोर्ट में जाइए, अगर उसका इलीगल था तो कैंसिलेशन हो जाएगा। आपको इतना किसी का सर्टिफिकेट को तारीख देके इतना तारीख में जमा करो, नहीं तो आप ये करेगा वो करेगा बोलना, ये कोई मेरा भाई होगा, कोई मेरा चाचा होगा, कोई बहन होगा, या कोई मेरा समाज का कोई रिलेटिव होगा, कोई मैट्रिमोनियल रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोग जो भी करता है सिस्टम से कीजिए, और जो भी है अगर जिसने भी सिस्टम में अगर विक्टिम है, विक्टिम को भी आप जस्टिस देना पड़ेगा, कौन कौन लोग विक्टिम है उसको आप जस्टिस देना है, और अगर कोई अन्याय करके रखा है तो उसको भी आपका जस्टिस
निकलने के लिए आपका अभियान ऐसे होना चाहिए। इसीलिए मैं एक्चुअली किसी का पेवर बोल के नहीं है, हाँ मैं किसी को पेवरिज्म करके नहीं बोलेगा। हाँ ये मैं तातू साहब जी को भी मैं ये बोलूँगा, हाँ अगर इस अभियान में और इस लीगल बैटल में आप भी अगर उसमें ये सही मैंने जो क्लेम है जो एलिगेशन है सही होने से आप भी सरेंडर करना पड़ेगा, वो भी आप राजी होना पड़ेगा। हाँ उसको राजी होने के लिए आप सिस्टम नहीं किया और उसका सिस्टम का बाहर से आप कुछ भी कर नहीं सकेगा, हम ये बोलना चाहते हैं। इसीलिए लास्टली मैं ये बोलेगा कि अगर वो लोकम का भांजा है, लोकम कम्युनिटी का सोसाइटी का अगर वो भांजा था तो अपना भांजा को 50 साल क्यों छुपा के रखा था, ये एक तो कहने का भी बात है। अगर वो नॉन APST था तो आपने क्यों APST बनाया? अगर आज जो भी है तो उसको किसने सिखाया, निशी भाषा किसने सिखाया, टीचर को ने हा? और इसको किसने पढ़ाया, टीचर को ने? वो आज निशी में बात कर रहा है, निशी रिचुअल कर रहा है, निशी ट्रेडिशनल कस्टम दुनिया का मान निशी का ऑर्नामेंट सब यूज कर सब हमारा 100/100 कर रहा है, तो उसको हम अभी कैसे बोला, उसको कैसे हम नॉन APST हम बोल देगा जब तक वो सिस्टम से प्रूफ नहीं करता है। तो इसीलिए कानून को अपना हाथ में मत लीजिए, ये मैं आप लोग को आज सलाह देने मैंने ये आपको मैं मेरा तरफ से एडवाइस देने के लिए आया। हाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट मेरे को भी पार्निश कीजिए, हमको ऑफिशियली देना पड़ेगा। आप किसी फेसबुक से कलेक्ट करके हो हमको नहीं चाहिए, किसी का फोटो को वायरल करेगा, किसी का फोटो को फेसबुक से ले आएगा, ये ऐसा है वैसा है बोलने से नहीं होगा। आप ऑथेंटिसिटी कीजिए, हमको लेटर लिखिए टू द प्रेसिडेंट अरुणाचल जस्टिस फोरम या तो चेयरमैन अरुणाचल जस्टिस फोरम, आई एम पार्निशिंग ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आप कोर्ट में हमारे लिए लड़ दीजिए बोल के मेरे को दे दो। अगर आप नहीं लड़ सकता तो मैं जाऊँगा, अगर अरुणाचल जस्टिस फोरम का नाम से भी अगर नहीं करेगा तो नाबम तागम का नाम से जब तक हम जिंदा होगा उस मुद्दे को लेके हम लड़ते रहेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, और ये जब तक अरुणाचल सरकार उसको लेजिस्लेशन नहीं करेगा हम कोर्ट से लड़ाई करते रहेगा। ये मेरा कहने का बात था, ये है। थैंक यू।